हनुमान है और मैं रहता हूँ दसो तेरे भी अंग और मैं हूँ स्टूडेंट ऑफ PISJEE और तुम हिंदू बस। सो गाइज, वीडियो शुरू होने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए है एक अदद मैसेज। मैसेज ये है कि अगर आप भी इस बॉय की तरह फीचर होना चाहते हैं हमारी वीडियो में, तो एक वीडियो बनाएं विच शुड नॉट बी मोर देन 10 सेकेंड्स। उसमें आपने अपना नाम बताना है, आपने शहर का बताना है, आप किधर से हैं, और आपने बोलना है तुम ही हो बस। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। डोंट फॉरगेट टू मेक द वीडियो। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल जैकपैक बॉयज। मैं रेहान तनवीर आपका होस्ट हाजिर हूं एक नई सीरीज के साथ, क्वारंटीन का नॉलेज। सॉरी यार, मैं अपने कुछ कमिटमेंट्स नहीं रख पाया, मैं वीडियोस नहीं बना पाया। इसका कोई ऐसा रीजन नहीं है कि मैं कहीं बिजी था, मैं बहुत सुस्त हुआ हुआ था। सुस्त एज इन जैसे कि मेरे बहुत सारे दोस्त और मेरे भाई हुए हैं, पूरे दिन सोता हूँ, रात में जागता हूँ, और जब मैं जाग रहा होता हूँ तो घर वाले सो रहे होते हैं, तो शोर नहीं कर सकता। खैर, आज मैं दिन में उठ गया हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, तो सीरीज जो हमारी क्वारंटीन कार नॉलेज, उसमें जैसे कि आप लोग जानते हैं आई एम एन ऑटोमोटिव इंजीनियर बाय प्रोफेशन। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी में हमें हमारे टीचर्स ने फर्स्ट सेमेस्टर के पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने में जो चीज़ें बेसिक्स पढ़ाई, वो मैं आप लोगों को इस कोर्स में, इस पूरी चीज़ में पढ़ाऊंगा, विच विल इंक्लूड इंजन्स, इंजन के साइकिल्स, हाउ इंजन वर्क्स, ड्राइव लाइन्स, सही है कि पावर डिलीवरी कैसे होती है टू द व्हील्स, किन कंपोनेंट से होके गुजरती है, बेसिक एब्रीविएशन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की, सॉक डॉक और डिफरेंट चीज़ों की, सही है। इंजन की मतलब V6 V8 रोटरी, इन सब के डिफरेंसेज और क्या होते हैं, किस तरह 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 के इंजन होते हैं वो, टर्बो चार्जर की वर्किंग, सुपर चार्जर की वर्किंग, ये सब उर्दू लैंग्वेज में, ताकि आप सब लोगों को चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा आसानी से और अच्छे तरीके से समझ आ सकें। उसके अलावा मैं इंजन प्लेसमेंट समझाऊंगा, सही है। उसके अलावा रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, 4x4 और फ्रंट व्हील ड्राइव के डिफरेंसेस बताऊंगा मैं आपको कि क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, और जितनी भी रिलेटेड नॉलेज है वो सब बताऊंगा, पावर डिलीवरी एंड ऑल द स्टफ। मैंने अपने नोट्स भी निकाल के रख लिए हैं, सही है, ताकि मैं कहीं पर गलती ना करूँ। तो दिस इज हाउ थिंग्स विल गोना गो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल जैकपैक बॉयज, और मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे इससे पहले अपडेट्स आ जाती हैं, लाइक यूट्यूब से पहले आ जाती हैं। चलते हैं और हम शुरू करते हैं अपनी वीडियोस, और मेरे सारे होशियार भाई जो अभी नीचे आके बुरा भला कहने वाले हैं, और कुछ लोग हैं जो लोग अपनी औकात दिखाते हैं कि उनकी कितनी अच्छी तालीमात हैं और उनके माँ बाप ने उनको कितनी तालीमात अच्छी दी हैं, भाई नहीं देखनी वीडियो मत देखो, मैं ज़बरदस्ती पकड़ के तो मैं नहीं दिखा रहा, लेकिन अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना सीखो। ये जो हमारे ऊपर कयामत सा मंजर हुआ है ना, कयामत सा वक्त आया है, ये हमारे अमाल का नतीजा है। ज़रा कंट्रोल रखिए, और आई एम होपफुल कि मैं कुछ लोगों तक कुछ सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड। तो आज की इस एपिसोड में मैं कवर करने जा रहा हूँ इंजन्स। अच्छा, मैं बेसिक साइकिल्स इंजन के कवर करूँगा, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक साइकिल, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताऊँगा। फिर बेसिकली आजकल की जितनी भी मॉडर्न गाड़ियाँ हैं, इन सब में फोर स्ट्रोक इंजन्स आते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा एक फोर स्ट्रोक इंजन किस तरह वर्क करता है, ठीक है, और उस और थोड़ा बहुत मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा अबाउट टू स्ट्रोक इंजन्स। उसके अलावा मैं आपको बेसिक कंपोनेंट्स भी बताऊंगा और उनकी पूरी वर्किंग बताऊंगा, हाउ दिस होल प्रोसेस वर्क्स। चलते हैं और हम शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इंजन की डायग्राम से शुरू करते हैं। आपको कुछ बेसिक कंपोनेंट्स शुरू से पता होने चाहिए, जैसे कि सबसे नीचे होती है क्रैंकशाफ्ट, जिससे कनेक्ट होती है कनेक्टिंग रॉड, सही है। कनेक्टिंग रॉड के ऊपर होता है पिस्टन, ये है सिलेंडर हमारा, ठीक है, जिसके अंदर पिस्टन मूव करेगा। पिस्टन को कौन मूव करेगा? कनेक्टिंग रॉड मूव करेगी। और कनेक्टिंग रॉड कैसे मूव होगी? जब क्रैंकशाफ्ट डोल घूमेगी तो, ठीक है, एक तरफ इंटेक वेल्व होगा, एक तरफ एग्जॉस्ट वेल्व होगा, सही है। इंटेक वेल्व जिसके जरिए एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा, एग्जॉस्ट वेल्व जिसके जरिए एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जाएंगी, सही है। ये हेड का पार्ट है, ये ब्लॉक है, सही है। दिस इज ब्लॉक, दिस इज अपर 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 एरिया, इट्स हेड, सही है। कहते हैं ना हेड में काम आ गया, ये हेड, हेड का हिस्सा है जिसमें वेल्व होते हैं, ठीक है। फिर जब ये वेल्व्स ऑपरेट किससे होते हैं? कैमशाफ्ट से होते हैं, सही है। कैमशाफ्ट, ये कैम्स है, सही है, इनको ये कैमशाफ्ट मूव करती है, सही है। ये कैमशाफ्ट की सारी वर्किंग जो है वो यही होती है, कैम्स को खोलना और बंद करना, इस वजह से इसका नाम कैमशाफ्ट पड़ गया। शाफ्ट एक चीज, एक लंबी डंडी टाइप लेट्स से, और आपका जो हमारे कैम्स हैं
दीज आर द थिंग्स विच मूव्स, जिसके वजह से हमारा इनटेक और एग्जॉशन का प्रोसेस होता है. ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक जो है इंजन की कुछ कंपोनेंट जो आपको अभी पता होना जरूरी है. मैं आपको अब बताना शुरू करूंगा टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक का डिफरेंस. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या प्रोसेस होते हैं बेसिक इंजन के कंबशन के. ठीक है, मतलब पूरा जो एक प्रोसेस होता है पावर किस तरह जनरेट होती है इंजन में. सही है, एक फोर स्ट्रोक साइकिल में, सही है, ये चार प्रोसेस होते हैं. सही है, सबसे पहले पिस्टन नीचे आता है, क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री मूव करती है. एक पूरे फोर स्ट्रोक इंजन के साइकिल में एक क्रैंकशाफ्ट 720 डिग्री रोटेट करती है. कितनी? 720 डिग्रीज. ठीक है, अब इसको जब हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 720 को, तो 180 ईच आता है. सही है, 720 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री ईच. 180 डिग्री क्रैंकशाफ्ट मूव हुई, आपका पिस्टन नीचे आया, जिसकी वजह से आपका जो है इंटेक वेल्व से सक्शन का प्रोसेस हुआ और एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आया. ठीक है, इस स्ट्रोक को बोलते हैं इंटेक स्ट्रोक. सही है, आप समझ में आया इंटेक का टोटल मकसद क्या है एक इंजन में. दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक. सही है, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, वही जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आया होता है, फिर क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री घूमी, आप 320 डिग्री का मूवमेंट हो चुका है. और कंप्रेशन जो स्ट्रोक होता है उसमें ये होता है जो भी एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आया ना वो कंप्रेस होता है इन द सिलेंडर. सही है, वो कंप्रेस होता है और उसके बिल्कुल एंड में, सही है, अप्रोक्सीमेटली 290 डिग्री के ऊपर हमारा स्पार्क जनरेट होता है थ्रू स्पार्क प्लग. ठीक है, स्पार्क जनरेट होता है यहाँ पे. एक्चुअली स्पार्क प्लग भी मुझे बनाना चाहिए था. सही है, मैं अभी बना देता हूँ. लेट्स स्पार्क प्लग. ठीक है, स्पार्क प्लग. ठीक है, स्पार्क जनरेट होता है. स्पार्क जनरेट होने की वजह से क्या होता है, एक आपका छोटा सा यू पटाखा सा पड़ता है इनसाइड द सिलेंडर, जिसकी वजह से एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है. सही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रोक है इन आवर होल प्रोसेस. दिस इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक. सही है, क्या हुआ, पहले कंप्रेस हुआ, जब क्या नाम है स्पार्क आया तो फिर वो एक्सपेंड हुआ. सही है, उस प्रेशर की वजह से पिस्टन वापस नीचे गया. सही है, अब फिर क्या होगा, फिर वापस अब जो आखिरी हमारा जो पार्ट बचा है, लोग पूछते हैं एग्जॉशन क्यों, एग्जॉस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आखिरी स्ट्रोक में क्या होता है, वापस पिस्टन ऊपर जाता है, एग्जॉस्ट वेल्व खुलता है और जो भी हमारी गैसेस होती हैं वो बाहर चली जाती हैं थ्रू आउट द सिस्टम. ठीक है, दिस होल प्रोसेस विच आई जस्ट एक्सप्लेन यू इज अ फोर स्ट्रोक साइकिल. सही है, फोर स्ट्रोक साइकिल है ये. सही है, सॉरी फॉर बैड राइटिंग, नीचे था वो बहुत ज्यादा. ये था हमारा फोर स्ट्रोक साइकिल. अच्छा, अब टू स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, प्रोसेस सारे यही रहेंगे लेकिन आपका ये पूरा प्रोसेस 720 डिग्री में होने के बजाय 360 डिग्री में हो जाएगा. सही है, जिसका मतलब है कि हमारी क्रैंकशाफ्ट टोटल एक बारी पूरी गोल घूमी. 360 डिग्री क्या होता है, एक पूरा चक्कर 360 डिग्री होता है. दिस इज 360 डिग्रीज, दिस इज 180 डिग्रीज. ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा था, 180 डिग्री घूमा तो हमारा एक प्रोसेस हो रहा था विच इज सक्शन, एयर और फ्यूल का मिक्सचर सक हो रहा है. लेकिन टू स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, 180 डिग्री घूमने पे सक्शन का प्रोसेस भी हो चुका होगा और ये कंप्रेशन स्पार्क वाला प्रोसेस भी हो चुका होगा और बाकी बचे हुए 180 डिग्री के अंदर एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक और एग्जॉशन दोनों का प्रोसेस हो जाएगा. कुछ बात मेरी समझ में आई, क्या होगा 180 डिग्री घूमने पे टू स्ट्रोक इंजन में, टू स्ट्रोक जो पहले पुराने जमाने में यूज होते थे, टू स्ट्रोक इंजन में सक्शन विच इज इनटेक का जो प्रोसेस है वो और कंप्रेशन का जो प्रोसेस है वो, मतलब क्रैंकशाफ्ट का 180 डिग्री घूमी है. क्रैंकशाफ्ट पूरा चक्कर नहीं लिया, क्रैंकशाफ्ट ने आधा चक्कर लिया और दो प्रोसेस हो चुके हैं. सही है, जबकि पहले क्या हो रहा था, पहले पूरा एक चक्कर लेती थी तो दो प्रोसेस होते थे फोर स्ट्रोक इंजन में, जो अभी आजकल के जमाने में सारी गाड़ियों में इंजन आते हैं 2004 स्ट्रोक. टू स्ट्रोक में वो प्रोसेस 360 डिग्री में हो जाता है, जबकि जब हम फोर स्ट्रोक इंजन पे आते हैं तो 360 के ऊपर और 360 जोड़ लो. सही है, तो क्या हो रहा है, अब 360 डिग्री घूमी, दो प्रोसेस हुए. सही है, बाकी 360 डिग्री में दो प्रोसेस हुए. ठीक है, तो मतलब पर प्रोसेस कितने में हो रहा है, पर प्रोसेस हो रहा है 180 में. सही है, 180 घूमने पे एक प्रोसेस हो रहा है विच इज सक्शन इनटेक स्ट्रोक, फिर 180 घूमा कंप्रेशन स्पार्क वाला प्रोसेस हुआ, फिर 180 घूमा एक्सपेंशन पावर स्ट्रोक का प्रोसेस हुआ, फिर 180 घूमा एग्जॉशन का प्रोसेस हुआ. ये है हमारा फोर स्ट्रोक, दिस इज द इंजन और ये हमारा फोर स्ट्रोक प्रोसेस है. सही है,
अब मैं चाहता हूं कि अगली एपिसोड मेरी आने से पहले पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, एक फोर स्ट्रोक इंजन के जो चार प्रोसेस होते हैं वो किस तरह वर्क करते हैं, ये चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट जो कह रहा मैं हमारा स्ट्रोक है सही है, उसमें क्या होगा सक्शन इनटेक स्ट्रोक, सेकंड कंप्रेशन जिसमें स्पार्क होगा जिसके एंड में, थर्ड एक्सपेंशन विच इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक, और फोर्थ हमारा एग्जॉशन जिसमें हमारी एग्जॉस्ट गैसेस आउट ऑफ द सिस्टम चली जाएंगी। दिस इज द होल प्रोसेस हाउ आवर इंजन वर्क्स। अब अगली एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइप्स ऑफ इंजन, सही है, उनकी प्लेसमेंट्स, टाइप्स ऑफ इंजन मतलब टाइप्स मीन्स के V6, V8 और कितने टाइप के इंजन होते हैं और इनकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, रोटरी सही है, इनकी उनकी थोड़ी बहुत मैं उनकी आपको बेसिक नॉलेज भी दूंगा कि हाउ दे वर्क एंड ऑल द स्टफ, और फिर हम एक एपिसोड में टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर भी कवर करेंगे, और उस एपिसोड के लिए तुम सब लोग इंतजार करते रहोगे मुझे पता है तुम लोगों का। बेसिक मकसद मेरे चैनल का और मेरा है कि उर्दू जबान में तुम लोगों तक बेसिक नॉलेज पहुंचा पाऊं ऑटोमोटिव की, सही है, ये मेरा कभी भी मकसद नहीं था इस चैनल को लेके कि मैं चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्वारंटीन में कुछ करने को नहीं है, और अगर शायद 200-400-600 लोग इंटरेस्टेड हों कुछ सीखने में, कुछ एक्चुअल सीखने में, जिसको मैंने बहुत साल लगा के सीखा, और दिस वॉज माई ड्रीम ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, तो दिस इज वॉट आई वॉज टॉट इन द बेसिक फ्यू मंथ्स, लाइक पहले महीने में हमें ये चीज़ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के पहले महीने में ये पढ़ाई गई थी, और मैं अपने एक उस्ताद मुनीर साहब, सर मुनीर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, ही वॉज द बेस्ट टीचर आई एवर हैड, मैं उन्हें कभी मुंह पे शायद नहीं बोल पाया, लेकिन शायद ये वीडियो किसी तरह उन तक पहुँच जाए तो एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मेरी ये सारी नॉलेज जो है वो उनके ज़रिए आई है, और वो जिस तरह एक्सप्लेन करते थे मुझे नहीं लगता वो एक एक मतलब वो ना एक एक बच्चे पे कॉन्सेंट्रेट करते थे, हर बच्चा समझे, तो आज मैं भी वही चीज़ कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग समझ पाओ, जो कुछ कोई भी मसला हो, कोई भी क्यूरी हो, यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं नेक्स्ट एपिसोड में उस चीज़ को आपकी पूरी एक पेपर पे लिख के कवर करने की कोशिश करूँगा, आप लोगों के सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को मेरी आज की एपिसोड पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल जेपैक बॉयज, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आई विल रिपीट, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाता रहूं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल जेपैक बॉयज, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और लिटरली ये जितनी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ ये सिर्फ मैं तुम लोगों के लिए बनाता हूँ, आई डोंट गेट एनी थिंग फ्रॉम एनी वन, नॉट यूट्यूब, नॉट एनी वन, आई जस्ट मेक दीज वीडियोज़ फॉर यू गाइज, तो ये बस एक मेरा पे बैक है to my community, to my people, ये चीज़ें मैं लर्न करना चाहता था अपने टाइम पे, लेकिन मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं थी, कोई सही बंदा नहीं मिलता था समझाने वाला, शायद मैं कुछ लोगों को समझाने के काबिल हूँ, समझा पाऊँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, प्लीज, और हाँ मेरा इंस्टाग्राम सब्सक्राइब करना मत भूलना, फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम रेहान तनवीर डाउन, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मौजूद है इंस्टाग्राम का, प्लीज़।